सिक्किम में कोरोना का एक भी केस नहीं। चीन से लगी सीमा पर कोरोना को नहीं दी एंट्री। सिक्किम ने कैसे पाया कोरोना पर काबू? चीन से आते रहे ट्रक लेकिन कोरोना की नहीं हुई एंट्री। सिक्किम भारत का वो राज्य जहां 23 अप्रैल तक कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। यहां अब तक कोरोना के 81 संदिग्ध मिले तो थे लेकिन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। चीन की सीमा से सटे होने के बावजूद सिक्किम में कोरोना की एंट्री नहीं हुई। इसका पूरा श्रेय सिक्किम सरकार को जाता है। तो आइए जानते हैं कि सिक्किम ने कैसे कोरोना की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई। लेकिन उससे पहले सिक्किम के भौगोलिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। तीन तरफ से हिमालय से घिरा है सिक्किम। तीन तरफ से हिमालय से घिरे हुए सिक्किम की उत्तरी सीमा तिब्बत, पश्चिमी सीमा नेपाल और पूर्वी सीमा भूटान से लगती है, जबकि दक्षिणी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। सिक्किम नाथुला के जरिए तिब्बत चीन के एक ट्रेडिंग पोस्ट को भी साझा करता है, जहां से रोजाना 20 से 100 ट्रक सीमा पार से आते हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। सिक्किम को अपना जीडीपी का करीब 8% टूरिज्म से मिलता है। नो एंट्री ने रोकी कोरोना की एंट्री। 7 लाख से ज्यादा की आबादी वाले सिक्किम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनवरी में उसी समय शुरू कर दी थी जब कोरोना ने चीन समेत बाकी देशों में पैर पसारने शुरू कर दिए थे। 28 जनवरी को ही यहां की सरकार ने राज्य के 2 एंट्री प्वाइंट रंगपो और मेल्ली पर स्क्रीनिंग जरूरी कर दी थी। साथ ही साथ यहां की सरकार ने 5 मार्च से विदेशी और 17 मार्च से घरेलू पर्यटकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि राज्य में सालाना 12 से 14 लाख विदेशी और घरेलू पर्यटक घूमने आते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मार्च अप्रैल महीने में आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 17 मार्च से ही सिक्किम सेल्फ क्वारंटीन में चला गया था और फिलहाल यहां घरेलू पर्यटकों के आने पर अक्टूबर तक रोक लगी हुई है। वहीं विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर भी इस साल के अंत तक रोक है। इसके साथ ही सिक्किम के नाथुला पास के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता भी बंद रहेगा। दूसरे राज्यों से लौटने वाले नागरिकों को किया गया क्वारंटीन। सिक्किम ने दूसरे राज्यों के तुलना में काफी पहले ही संदिग्ध लोगों की निगरानी और स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। दूसरे राज्यों से सिक्किम लौट रहे राज्य के नागरिकों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों तक रखा गया। इसके अलावा दूसरे राज्यों से लौटने वाले छात्रों को भी इन्हीं सेंटरों में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन का अच्छे से किया गया पालन। सिक्किम के लोगों ने सख्ती के बिना ही लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया। यहां सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू हैं। अगर लोग किराना या सब्जी खरीदने के लिए भी बाहर निकलते तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों और रोजाना कमाने वाले कामगारों के साथ साथ जरूरतमंदों की पहचान कर उन्हें चावल, गेहूं, तेल और जरूरी सामान भी बांटे। वहीं इस पूरे प्रकरण पर सिक्किम के मुख्यमंत्री पीसी तमांग ने कहा कि सख्त निगरानी की वजह से हम कोविड-19 को रोकने में सफल रहे हैं। हम देश के एकमात्र राज्य हैं जहां अब तक कोई मामला नहीं आया है। ये सब हमारे वॉरियर्स और नागरिकों के प्रयास से हुआ है। हालांकि अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सिक्किम का ये प्रयास और अनुशासन बेहतरीन है। देश के बाकी राज्यों को भी सिक्किम से सबक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।